Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS rank 1 Shuti Sharma. हेलो फ्रेंड्स दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप द नेक्स्ट राउंड ऑफ 5 पाँच मिनट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज रेड नोटिस और साथ ही साथ ये भी समझेंगे व्हाई एंड व्हेन इट इज इशू सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सी वाई इट इन न्यूज आखिर रेड नोटिस न्यूज़ में क्यों है पहले जरा इसको समझते हैं देखिए रिसेंटली इंटरपोल हैज़ विड रेड नोटिस अगेंस्ट मेहुल चौकसी मीन्स हाल ही में इंटरपोल ने मेहुल चौकसी के अगेंस्ट में जारी रेड नोटिस को वापस ले लिया है अगर मेहुल चौकसी की हम बात करें तो ये एक इंडियन बिजनेस पर्सन है जो नेशन छोड़कर भाग चुके हैं एंड दिसंबर 2018 में सीबीआई एंड ईडी के रिक्वेस्ट पर इंटरपोल ने दैट पर्सन के अगेंस्ट में रेड नोटिस को जारी किया था तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे समझेंगे आखिर रेड नोटिस क्या होता है इसे कौन इशू करता है एंड इसे कब और क्यों वाई एंड वेन इशू किया जाता है क्यों इशू किया जाता है इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आगे बढ़ते हैं ज़रा समझते हैं कि आखिर रेड नोटिस होता क्या है देखिए अगर रेड नोटिस की बात करें तो एक्चुअली आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि कोई पर्सन क्राइम करके नेशन छोड़कर अपने भाग जाता है दूसरे नेशन में भाग जाता है ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि दैट पर्सन को लोकल पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि आप समझ सकते हैं दूसरे नेशन में जाकर अरेस्ट कर पाना इतना आसान नहीं होगा तो इस तरह के जो क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें अरेस्ट करने के लिए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल पुलिस होती है जिसे फॉर्मली हम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं एंड जिसे शॉर्ट फॉर्म में इंटरपोल कहा जाता है ये पॉइंट याद रखिएगा एंड ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 195 मेंबर हैं ये पॉइंट याद रखिएगा 195 नेशन जो कि इंटरपोल के जिसकी हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की उसके मेंबर है एंड ये पुलिस वर्ल्ड वाइड सेफर कंडीशन क्रिएट करने के लिए सारे नेशन के साथ मिलकर काम करती है एंड अपने मेंबर नेशन के जो क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें पकड़ने के लिए एंड उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करने के लिए नोटिस इशू करती हैं जनरली अगर हम बात करें तो इंटरपोल एट टाइप की नोटिस जारी करती हैं इनमें से एक होता है रेड नोटिस आप देख सकते हैं ये सारे एट नोटिस होते हैं इनमें से एक होता है रेड नोटिस रेड नोटिस की अगर हम बात करें तो रेड नोटिस को जनरली फ़ोर लैंग्वेज में जारी किया जाता है कौन कौन से इसमें इंग्लिश हो गया फ्रेंच हो गई अरबी हो गई स्पेनिश हो गई इन फोर लैंग्वेज में रेड नोटिस को जारी किया जाता है अगर रेड नोटिस के एम की बात करें कि इसे क्यों जारी किया जाता है तो इसका मेन एम होता है कि जो अपने मेंबर कंट्रीज हैं उनके पुलिस को अलर्ट करना एंड किसी नेशन के जो भागे क्रिमिनल हैं उन्हें अरेस्ट करना मीन्स अगर आप एक नेशन से भागकर दूसरे नेशन में चले गए हैं तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 195 नेशन ऑलरेडी शामिल हैं तो हर एक नेशन को अलर्ट कर देना कि भाई दैट पर्सन वहाँ से भाग कर, किसी अदर नेशन में गया है तो ये पॉइंट याद रखना है मेनली अगर हम बात करें तो रेड नोटिस उन भागे हुए क्रिमिनल के लिए इशू किया जाता है जो प्रोसिक्यूशन और जो सेंटेंस के लिए वांटेड होते हैं मीन्स आपके नेशन में कोई किसी पर क्रिमिनल प्रोसीडर स्टार्ट हुई और वो बीच में नेशन छोड़कर भाग गया और या वांटेड है तो उसके लिए रेड नोटिस को जारी किया जाता है और यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है कि रेड नोटिस कोई इंटरनेशनल वारंट नहीं होता है मीन्स ऐसा नहीं है कि कहीं के भी पुलिस इसे अरेस्ट कर सकती है भले ही वन नेशन है लेकिन वहाँ पर अरेस्ट करने के लिए मैंडेट्री नहीं है वो इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं कि दैट नेशन में वो पर्सन छिपा हुआ है बट अरेस्ट कर लेंगे ऐसा ही जरूरी नहीं है तो अब जरा हम समझते हैं कि इसे कब और क्यों जारी किया जाता है इसे क्यों इशू किया जाता है मैं तो इसको समझते हैं देखिए ऐसा नहीं है कि इंटरपोल किसी नेशन से भागे सभी क्रिमिनल के लिए रेड नोटिस इशू करती है मीन्स हो सकता है आपके नेशन से बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल होंगे जो क्राइम करके भाग जाते हैं तो यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखना है कि रेड नोटिस तभी इशू किया जाता है जब कंसर्न नेशन के द्वारा इंटरपोल से रिक्वेस्ट की जाती है मीन्स वंस कोई नेशन इंटरपोल से रिक्वेस्ट करता है कि कोई एक्स वाई जेड पर्सन है जो उनके यहाँ क्राइम करके दूसरे नेशन में भाग चुका है तो उसे अरेस्ट करने के लिए आप रेड नोटिस को जारी कीजिए तब जाके इंटरपोल रेड नोटिस को इशू करती है मीन्स क्या कंडीशन है फर्स्ट तो क्या करना होगा वहाँ की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो रिक्वेस्ट करेंगी गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेंगी तब जाके रेड नोटिस को जारी किया जाता है सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस की टू में ई एंड सी ने इंटरपोल से रिक्वेस्ट किया था कि मेहल चौकसी के अगेंस्ट में रेड नोटिस को जारी किया जाए हाल फिलहाल में क्या हो रहा है कि ये जो रेड नोटिस है उसे वापस ले लिया गया है तो ये पॉइंट याद रखिएगा मीन्स जनरली ऐसा ही होगा कि जब तक रिक्वेस्ट नहीं किया जाएगा तब तक इंटरपोल कोई रेड नोटिस जारी नहीं करती एंड क्यों जारी किया जाता है इसको अगर हम समझें तो यहाँ पर ये समझिए कि जो नोटिस है वो ग्लोबली सेफ्टी को इशू करने के लिए जारी किया जाता है ताकि कोई भी क्रिमिनल वर्ल्ड वाइड कहीं भी जाकर छिप न इंडियन कंटेक्ट में अगर हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने प्रीवियसली दाऊद इब्राहिम हो गए मेहुल चौकसी नीरव मोदी जैसे क्रिमिनल के लिए रेड नोटिस की रिक्वेस्ट कर चुकी है मींस मेहुल चौकसी भी उसी में शामिल है तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि रेड नोटिस क्या होता है एंड इसे क्यों और कब जारी किया जाता है तो होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी थैंक्स फॉर वॉचिंग